वेलकम टू इंडोविजन यूट्यूब चैनल आज कंप्यूटर में हम आपको बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसके कितने प्रकार होते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या हैं और ये किस तरह से सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं तो आइए जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है ठीक है जैसा कि हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी होता है कंप्यूटर के अलावा मोबाइल भी होते हैं जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम एंड्रॉयड के नाम से जानते हैं ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है इसके बारे में जानते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इंटरफेस का, का काम करता है इंटरफेस मतलब एक ऐसी युक्ति एक ऐसा मैकेनिज़म जिससे कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आसानी से यूज़ कर पाए यानी यूज़र आसानी से इन दोनों को यूज़ कर पाए यानी एक इंटरफेस होता है जो कि कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में इंटरेक्ट करता है जोड़ता है इसको सोल ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि हमारा जितना भी प्रोसेस होता है जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं अपने हार्डवेयर अपने सॉफ्टवेयर पे, तो वो कहीं ना कहीं एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बेस होता है हम अगर माउस भी मूव करते हैं तो देखते हैं अपने डिस्प्ले पे माउस पॉइंटर मूव कर रहे हैं तो हम एग्जैक्टली exactly कर क्या रहे होते हैं हम अपने माउस को मूव करते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है माउस पॉइंटर ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ इस माउस पॉइंटर को हाथ से पकड़ के मूव नहीं कर रहा हूँ मैं माउस को मूव कर रहा हूं और ये ऑटोमेटिक माउस पॉइंटर मूव हो रहा है ठीक है तो समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरफेस का काम करता है इंटरफेस किसके किसके बीच में कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में ठीक है अब सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सोल ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं ठीक है जैसे अगर प्रोसेसर को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुई उस कंप्यूटर की आत्मा ठीक है एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कई सारे काम करता है जैसे कई सारे टास्क होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे हम जानते हैं फाइल मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस डिस्क ड्राइवर हो गया प्रिंटर हो गया ये सब चीज़ें हम मैनेज हम नहीं सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है ठीक है अब ऑपरेटिंग सिस्टम होते कैसे हैं उनका एग्जाम्पल जान लेते हैं जैसे हम विंडोज यूज़ करते हैं विंडोज भी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विंडोज के जितने भी प्रकार होते हैं विंडोज सेवन विंडोज एक्स पी विंडोज टेन विंडोज एट ये सब क्या हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ के लाइनक्स हुआ लिनक्स यूनिक्स ठीक है और ये क्या हुआ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद ओ एस फोर डबल जीरो ए आई एक्स जेड ओ एस ये क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग नाम अलग अलग तरीके होते हैं अब हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ठीक है ये क्या करता है प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस यानी ये यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है सारे एप्लीकेशंस को रन करने में मदद करता है और जितने प्रोग्राम रन करते हैं चाहे वो हम नोट पैड यूज़ कर रहे हो वर्डपैड यूज़ कर रहे हो एम एस वर्ड यूज़ कर रहे हो उन सारों उन सारे प्रोग्राम्स को यूज़ करने में क्या करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है सपोर्ट करता है और जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं हमारे कंप्यूटर में उन हार्डवेयर क्या करता है ये कंट्रोल करता है और गाइड करता है जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं ये तीन यूज़र है यूज़र वन यूज़र टू यूज़र थ्री अब ये क्या करते हैं ये कंप्यूटर यूज़ करना चाहते हैं तो हम वो क्या करते हैं वो सिंपली हार्डवेयर को यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा काम करते हैं जैसे कि हम सी पी रैम और रोम में कोई भी प्रोसेस कर पाते हैं ठीक है यानी हम मूव तो कर रहे हैं माउस लेकिन क्या हो रहा है का हमारा माउस पॉइंटर मेन हमारा काम क्या है हमें करना क्या है हमें, क्या है? हमें इस माउस पॉइंटर को मूव करना है जैसे मैं ये सर्कल में मूव कर रहा हूँ तो हम हार्डवेयर के थ्रू सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं ठीक है आप जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली होते कितने प्रकार के हैं देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क और सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क और क्या होता है मल्टीपल यूजर मल्टी टास्क यानि एक यूजर एक, एक सिंगल टास्क को भी परफॉर्म करता है एक यूजर कई सारे टास्क भी परफॉर्म करता है और कई सारे यूजर कई सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं उस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड किया जाता है जानते हम एक, एक के बारे में आगे है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ठीक है इसका क्या मतलब होता है दिस टाइप ऑफ ओ एस टाइम इसका मतलब कि इस प्रकार के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं एक ही पर्सन को एक बार में यूज करने की अथॉरिटी मिलती है और वो एक बार में एक ही एप्लीकेशन को यूज कर पाते हैं ये आपके सामने है पाम टॉप ये एक कम्प्यूटर पाम है पाम कंप्यूटर जिसमें कि कंप्यूटर्स के जैसे ही एप्लीकेशंस होते हैं इसमें एक बार में हम एक ही एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाते हैं तो, वो, वो क्या हुआ सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ठीक है जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर बता दूँ कि एन एग्जाम्पल ऑफ अ दिस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वुड बी फाउंड ऑन अ मोबाइल फोन देयर कैन बी ओनली यूज ओनली वन यूज़र यूजिंग द मोबाइल एंड दैट पर्सन इज ओनली यूजिंग वन ऑफ इट्स जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बार में एक ही व्यक्ति उस मोबाइल को यूज कर पाता है और उस मोबाइल में एक बार में जैसे इस हमें नोट पैड यूज करना हो तो एक बार में हम नोट पैड ही ओपन करते हैं फिर हमें नोट पैड को क्लोज करके कर फिर एम एस वर्ड ओपन करना पड़ेगा ठीक है डॉक्यूमेंट ओपन करने पड़ेंगे टास्क ओपन करना पड़ेगा यानी हम जब तक एक प्रोग्राम एक बार में एक ही प्रोग्राम को यूज़ कर पाते हैं जब तक कि एक प्रोग्राम बनना हो हम दूसरा प्रोग्राम ओपन नहीं कर पाते उसी को बोलते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ओके नेक्स्ट आते हैं सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग यानी एक एक पर्सन एक साथ एक सिस्टम पे कई सारा कार्य कर सकता है जैसे हम लोग विंडोज यूज करते हैं आगे जानते हैं सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग ओ एस अलाउज यूजर टू परफॉर्म वन और मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम कॉमनली ओ एस आर एम एस विंडोज एप्पल मैकोस चाहे एप्पल का लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या फिर हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो या नॉर्मली एच का हो या कोई भी कंपनी हो सकती है उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं तो जितने भी ये विंडोज के और एप्पल मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें हम एक साथ कई सारे काम करते हैं जैसे आपको अगर म्यूजिक सुनना हो तो आपने बी मीडिया प्लेयर से कोई वीडियो वगैरह प्ले कर लिया या विंडोज मीडिया प्लेयर से कोई वीडियो प्ले कर लिया ऑडियो प्ले कर लिया प्लस आप नेट भी चला रहे हो साथ में प्लस आपको अगर कुछ लिखना है तो आप नोट पैड भी ओपन कर लिए और साथ में आपको अगर एम एस वर्ड पर कुछ काम करना हो एक्सेल पे कोई काम करना हो या पेंट पे कोई काम करना हो आप इमेज देख रहे हो तो इतने सारे काम हम एक साथ एक टाइम पे कर सकते हैं लेकिन कौन एक बार में एक ही यूजर उस सिस्टम को यूज करता है तो वो क्या था सिंगल यूजर मल्टी ठीक है ये क्या था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अब आते हैं इंटरफेस जैसा है कि हमने मतलब तो आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इंटरफेस के रूप में काम करता है तो ये इंटरफेस होते, होते हैं पहला ग्राफिकल दूसरा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस यानी जो ग्राफ की तरह ना दिखकर कमांड के रूप में काम करते हैं जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में जी यू आई एंड सीयूआई ठीक है अब जी यू आई क्या होता है आपको दिखा देते हैं हम ये हमारा विंडोज़ टेन का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जैसे ही ये सब प्रोग्राम्स ये हमें आइकन के रूप में दिखते हैं ग्राफ के रूप में दिखते हैं ग्राफिक्स के रूप में दिखते हैं तो ये क्या हुआ क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली होते हैं यूजर फ्रेंडली क्यों होते हैं क्योंकि हमें कुछ भी ओपन करना हो यहाँ पर डायरेक्ट उसका आइकन बना होता है हम उस पर क्लिक करते हैं और आसानी से उसको यूज़ करते हैं तो ये क्या हुआ एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ यूज़ करनी हो और हमारे सामने वो दिख रहा है तो हम उस पर नॉर्मली क्लिक करते हैं और आसानी से उसको यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है और अच्छा भी होता है और ईजी होता है इसीलिए इसको बोलते हैं यूज़र फ्रेंडली अब मान लीजिए अगर आपको ऑडियो प्ले करना हो और उसके लिए आपको कोडिंग लिखनी पड़े आपको इंटरनेट चलाना हो इंटरनेट यूज करना हो तो उसके लिए आपको दस लाइन पाँच लाइन की कोडिंग लिखनी हो तो ऐसे क्या होगा कि कोई भी यूज़र नया यूज़र हो या फिर वो बहुत पुराना भी यूज़र हो तो कहने के उसका टास्क डिफिकल्ट हो जाएगा एक तो वो अपनी परफॉर्मेंस को उतने अच्छे ईजिली नहीं दे पाएगा उसको हर एक टास्क के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं तो उस प्रोग्राम से उस चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं नॉर्मली विंडोज़ ग्राफिक ग्राफिक का यूज करते हैं यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ग्राफिक यूज़र को सपोर्ट करता है यानी ये जी यू आई बेस्ड होता है नेक्स्ट होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस देखिए आप हर एक चीज हर एक चीज के लिए अलग अलग कमांड्स हर एक चीज के लिए अलग कमांड आपको कोई आइकन ओपन करना हो या कोई भी टाइम सेट करना हो कोई फोल्डर ओपन करना हो तो हमें कहीं ना कहीं उसके लिए अलग अलग कमांड्स को लिखना पड़ता है डायरेक्टरी पे नोट पैड पे या कैसे भी कमांड लाइन पे उसको एड लिखना टेक्स्ट लिखना पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं फंक्शन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अब हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है किस तरह से काम करता है इसमें कुछ आ, कुछ दिए हुए हैं लिस्ट जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजमेंट सिक्योरिटी रिसोर्स मैनेजमेंट कमांड इंटरप्रिटेशन मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम इतने सारे काम करते हैं एक कंप्यूटर में ठीक है अब हम जानते हैं इनको वन बाई वन की प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है फाइल मैनेजमेंट क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है सिक्योरिटी क्या होती है और ऐसे ही आगे की चीज़ों को भी हम वन बाई वन जानते हैं तो आइए जानते हैं सबसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट जैसा कि नाम से सॉरी में आ रहा हम लोगों को कि प्रोसेस प्रोसेस को मैनेज करना कि एक कंप्यूटर में जो प्रोसेस होते हैं उसको कैसे हम मैनेज करते हैं यानी प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता क्या है जब हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं यानी कोई प्रोग्राम रन कराते हैं या जैसे हम नोटपैड यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो वो क्या हुआ वो एक टास्क यानी एक वो एक प्रोसेस हुआ तो ओ एस क्या करता है उसको क्रिएट और डिलीट करने में मदद करता है जैसे मैंने नया फोल्डर ओपन करना हो ठीक है फोल्डर ओपन करना हो और वो काम करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट ये क्या करता है मैनेज ऑल प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू शट डाउन ओपन सेव इंस्टॉल कॉपी पेस्ट प्रिंट यानी जितने भी इस तरह से एक्टिविटीज़ होती हैं चाहे कंप्यूटर को स्टार्ट करना हो बंद करना हो फाइल को ओपन करनी हो उसको सेव करना हो या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो यानी इस तरह से जितने भी प्रोसेस होते हैं वो क्या किसके अंडर में आते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आते हैं ठीक है हम नया फोल्डर क्रिएट भी कर सकते हैं कंप्यूटर पर आराम से तो किसके थ्रू होता है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू ये किसके द्वारा होता है प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ठीक है सी पी यू कैन परफॉर्म वन टास्क वन टाइम सी पी यू एक बार में एक ही टास्क को परफॉर्म करता है इफ देर आर मेनी टास्क देन ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइडेड विच टास्क शुड गेट द सी पी यू अगर एक बार में कई सारे टास्क होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किसको सबसे पहले सी पी यू टास्क देगा यानी हमें कई सारे काम करने होते हैं एक साथ तो अगर हमें उसमें से कोई एक काम बहुत कंपल्सरी होता तो पहले हम वही काम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कई सारी फाइल ओपन कर ली लेकिन हम एक बार में एक ही फाइल को ओपन कर पाते हैं ठीक है अब ये प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर कौन सी चीजें आती हैं जैसे मैनुअल लोडिंग मैकेनिज्म हुआ बैच प्रोसेसिंग हुआ मल्टी प्रोग्रामिंग हुआ मल्टी प्रोसेसिंग हुआ ठीक है अब दूसरा होता है फाइल मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट क्या होता है यानी फाइल के ऊपर जितने भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं वो किस में आते हैं फाइल मैनेजमेंट में आते हैं तो फाइल मैनेजमेंट होता है यानी पहले फाइल क्या होता है वो जानते हैं फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसा कि हम जानते हैं कि डाटा को कई सारे डाटा को जब आपस में रिलेट करते हैं और उसका कोई मतलब निकलता है तो उस मतलब की चीज़ को क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं और जब वही भी वो इन्फॉर्मेशन कई सारी चीज़ों के इन्फॉर्मेशन मिला के एक हम फाइल बनाते हैं यानी कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलकर क्या बनती है एक फ़ाइल जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारा कोई रिज्यूम बनाए तो रिज़्यूम में हमारी कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पढ़ाई से लेके कर हमारे डेट ऑफ बर्थ से लेके हमारे फैमिली रिलेशन रिलेटिव से लेके फादर के नेम के से लेकर हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी ये सब सारी चीज़ें उस फाइल में होती है तो ऐसे ही हम अगर मूवीज की बात करें तो मूवीज में भी कई सारी चीजें होती हैं तो वो क्या हुआ एक फाइल हुआ ठीक है तो यानी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है फाइल लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हो जुड़ते हो तो उन्हें क्या बोलेंगे फाइल ठीक है मैनेज फाइल स्टोर ऑन द डिस्क यानी जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है तो फाइल को हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर करना है उसका जो मैनेजमेंट देखता है वो कौन देखता है फाइल मैनेजमेंट देखता है ठीक है प्रोवाइड फंक्शन टू डिलीट कॉपी मूव रीनेम प्रोटेक्शन पासवर्ड एंड व्यू फाइल्स यानी उस फाइल को डिलीट करना कॉपी करना मूव करना रीनेम करना प्रोटेक्ट protect, प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करना, या आप उस पर पासवर्ड लगाना या उस फाइल को देखना ये सब सारा किसमें आता है फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है ठीक है बैकअप ऑफ फाइल ऑफ स्टेबल स्टोरेज मतलब किसी फाइल का बैकअप लेना जैसे क्या होता है कि हम व्हाट्सएप का बैकअप लेते हैं बैकअप का मतलब ये होता है कि हम उस उस डाटा को किसी दूसरी जगह स्टोर करते हैं ताकि अगर कभी भी हमारे लैपटॉप में मोबाइल में कोई इशू हो तो हमारा वो डाटा पहले से कहीं सेव रहे ताकि हम वो डाटा फिर से रिकवर कर सकें उसी को बोलते हैं बैकअप ठीक है नॉन वेलेटाइल मतलब होता है एक होता है वेलेटाइल मेमोरी एक होता है नॉन वेलेटाइल मेमोरी तो नॉन वेलाटाइल यूज होता है जो स्थाई स्टोरेज होता है इट मींस कि उसमें डाटा तब तक डिलीट ना हो जब तक कि यूजर खुद से उसको डिलीट ना करे और वो बार बार चेंज ना हो ठीक है तो फाइल एक्सेस ये किस मेथड में काम करता है सिक्वेंशियल एक्सेस में और रैंडम एक्सेस में ठीक है नेक्स्ट है आपका मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है यानी मेमोरी पे जितनी काम होती है जितनी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी पे जितने भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसे क्या बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट जैसे इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द मेमोरी कैन नॉट बी मैनेज विदाउट ओ एस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी मेमोरी मैनेज नहीं हो पाती कि उसमें डाटा कैसे स्टोर होगा कहाँ पर स्टोर होगा ठीक है इफ़ देर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम द प्रोग्राम मे मिक्स विद ईच अदर एंड सिस्टम में नॉट वर्क प्रॉपरली अगर कई सारे प्रोग्राम आपस में मिल जाए लाइक हमें ओपन करना है नोट पैड और कहीं कहीं ना कहीं वहाँ पेंट ओपन हो रहा है एमएस वर्ड ओपन हो रहा है आउटलुक ओपन हो रहा है एक्सेल ओपन हो रहा है तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हमारा कंप्यूटर ठीक से वर्क नहीं कर पाता तो इसीलिए मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है कि कोई भी डाटा कहाँ पे किस तरह से स्टोर होता है उसका फिर पूरा मैनेजमेंट कौन देखता है मेमोरी मैनेजमेंट इट मैनेज प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम और रोम सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क सी डी डी बी डी पेन ड्राइव एट्टी सी के एंड एलोकेट मेमोरी टू प्रोसेस एंड डी एलोकेट वेन दे आर डन यानी अगर हम जब कोई का टास्क कंप्लीट करते हैं कोई टास्क हमें कंप्लीट करना है या वो कंप्लीट हो जाता है तो वो मेमोरी में हम सेव करते हैं या उसको हटा देते हैं वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन जब यूज़र चाहता है कि उसको सेव करें तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करती है मेमोरी क्या करती है उसको जिस ड्राइव में जिस फोल्डर में रखना होता है वो यूज़र से पूछती है और यूज़र कहीं ना कहीं उसी उस स्पेस पे रख देता है ठीक है ये होती है मेमोरी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ यानी उसका काम नेक्स्ट क्या है डिवाइस मैनेजमेंट यानी कंप्यूटर में कई तरह की डिवाइसेस लगी होती हैं लाइक like अगर मैं डिवाइस की बात करूँ तो डिवाइस एक तरह से हार्डवेयर होता है तो हार्डवेयर कंप्यूटर में क्या क्या हो सकता है हमारा कंप्यूटर हो सकता है इसे इनपुट डिवाइस हो सकती है आउटपुट डिवाइस हो सकता है स्टोरेज डिवाइस हो सकता है तो इन सब चीज़ों का डिवाइस को जो यूज़ करते हैं हम लोग तो उसे क्या वो कौन मैनेज करता है डिवाइस मैनेजमेंट यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होता है जैसा कि इसमें पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर में अटैच होते हैं चाहे वो कंप्यूटर में पहले से मौजूद हो या हम बाहर से कोई चीज़ अटैच करें ठीक है तो जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनको इंफॉर्मेशन पहुँचाना उनको कैसे स्टॉप करना यूज करना वो सब सारा चीज़ मैनेज कौन करता है डिवाइस मैनेजमेंट ठीक है द हार्डवेयर डिवाइस आर कंट्रोल्ड बाई स्मॉल सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है जैसे क्या होता है कि हमें कोई डिवाइस यूज करना है हमें अगर कंप्यूटर में हमने नया नया कंप्यूटर खरीदा और हमने भी नया प्रिंटर भी खरीद लिया तो प्रिंटर के साथ एक मिलती है सीडी छोटी सी उस सीडी में क्या होता है उस प्रिंटर का ड्राइवर होता है तो हम क्या करते हैं उस प्रिंटर को अपने कंप्यूटर में यूज़ करने लायक बनाते हैं हमें क्या करना है प्रिंटर से प्रिंट देना है सॉरी कंप्यूटर से प्रिंट देना है कि हमारे प्रिंटर से प्रिंट आउट हो जाए तो उसके लिए हमें प्रिंटर को इंस्टॉल करना पड़ता है उस इंस्टॉल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं ड्राइवर क्या बोलते हैं ड्राइवर बोलते हैं तो ड्राइवर के थ्रू ही हम अलग अलग डिवाइसेस को इसमें ऐड ऐड करते हैं जैसे हमें प्रोजेक्टर यूज करना हो तो प्रोजेक्टर का भी ड्राइवर हमारे पास होना चाहिए ग्राफिक्स ड्राइवर होना चाहिए ठीक है तो वही जो छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या कहलाता है डिवाइस ड्राइवर एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर एंड गिव करिस्पॉन्डेंस आउटपुट विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई वॉल्यूम हमें दूसरे को सुनाना है तो हमें किसी दूसरे को वॉल्यूम सुनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी स्पीकर की तो स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जिससे कि हमें दूसरों को वॉइस सुना सके अब हमें वॉइस इनपुट भी लेना है ठीक है तो हमें क्या कह माइक्रोफोन की जरूरत पड़ती है माइक से हम बोलेंगे तभी तो स्पीकर से आवाज आएगी तो वो क्या होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है यानी ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो उसको मैनेज कौन करता है डिवाइस मैनेजमेंट करता है अब है अब नेक्स्ट और क्या सिक्योरिटी मैनेजमेंट ठीक है सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होता है जैसा कि हम जानते हैं कि हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो कंप्यूटर में अलग अलग वायरसेस भी होते हैं उसमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स भी आती है या हो सकता है कोई हमारा डाटा हैक करता हो तो उन सब चीजों को बचाने के लिए हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट का ठीक है तो ये क्या करता है प्रोटेक्ट रिसोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन एंड अनऑर्थराइज एक्सेस ठीक है ये क्या करता है रिसोर्सेस को जितने भी रिसोर्सेज हमारे यहाँ यूज हुए चाहे वो प्रिंटर हो ड्राइवर हो सॉरी प्रिंटर हो स्पीकर uh, हो मॉनिटर हो या फिर हमारा प्रोजेक्टर ही क्यों ना हो इन सब चीजों को गड़बड़ी से बचाने के लिए या कोई और यू, यूज ना कर पाए इसके लिए हम क्या करते हैं सिक्योरिटी का यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट अनऑर्थराइज एक्सेस का मतलब होता है कि बिना हमारे जानकारी के यूज होना कोई हमारे कंप्यूटर को बिना हमारी जानकारी के यूज करना है तो उसको क्या बोलते हैं अनऑर्थराइज एक्सेस यानी जिसको यूज करने का परमिशन ना मिले ठीक है नेक्स्ट है इसमें वायरस मैनेजमेंट तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या करती है वायरस को भी मैनेज करता है अगर वायरस हमारे कंप्यूटर में आ गया तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है हमें अलर्ट करता है किसके थ्रू अलर्ट मैसेज के थ्रू ठीक है वो हमारे कंप्यूटर में दिखाता है कि हमारे कंप्यूटर में एक वायरस है दो वायरस है तीन वायरस है या थ्रेट है ठीक है वायरस को थ्रेट भी बोलते हैं तो वो चीज़ें होती हैं कभी कभी डायलॉग बॉक्सेस हमारा काम कोई हमारा टास्क कंप्लीट हो गया ये सब चीज़ें पहले से प्रोग्राम की होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जब नया बनाया जाता है तो इसमें ये सब सारी चीज़ें पहले से सोच कर प्रोग्राम की जाती है तभी ये सब चीज़ें होती हैं जैसे वायरस के आने पर मैसेज का दिखना या और जब हमारा कोई टास्क कंप्लीट हो गया तो उसको दिखना ओके okay या कैंसिल करना तो वो क्या होता है ये सब पहले से डिसाइड होता है और डायलॉग बॉक्सेस यही सब होते हैं जो हमारे जो भी टास्क कंप्लीट हो गया या कंप्लीट नहीं हुआ या कोई एरर आ गया तो उसको हमें बताना डायलॉग बॉक्स के रूप में जिससे हम ओके okay या कैंसिल करके हम आगे बढ़ते हैं ठीक है फायरवॉल कंप्यूटर में एक एंटीवायरस पहले से होता है जिसको बोलते हैं फायरवॉल ये क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर में बाहर से वायरसेस को आने से रोकने के लिए ठीक है हमें किसी फाइल फोल्डर में लगाना है पासवर्ड तो उसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे क्या बोलते हैं पासवर्ड एक्सेस या प्रोटेक्शन बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट आते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट अब रिसोर्स का मतलब क्या होता है हर वो डिवाइस हर वो चीज़ जो कंप्यूटर में यूजफुल होता है जैसे कंप्यूटर में डिवाइसेस को इंस्टॉल install करना इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स रिक्वायर्ड फॉर इनपुट कम्युनिकेशन आउटपुट मेमोरी पावर एंड कम्युनिकेशन डिवाइस ये सब क्या करते हैं ये सब चीज़ें मैनेज कौन करता है रिसोर्सेस हमें जिन जिन भी रिसोर्स जरूरत पड़ती है यानी जो जो हमें आइटम जो भी सॉरी जो भी हार्डवेयर चाहिए होते हैं हार्डवेयर को कौन मैनेज करता है रिसोर्स मैनेजमेंट नेक्स्ट है कमांड इंटरप्रिटेशन यानी अब ये चीजें कैसे काम करती हैं ध्यान से समझिएगा इट एक्ट्स एज प्राइमरी इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द रेस्ट ऑफ द सिस्टम यानी ये क्या करता है यूजर और जो हमारा सिस्टम है कंप्यूटर हार्डवेयर उन दोनों के बीच में क्या करता है इंटरफेस एक संबंध बनाता है जिससे क्या करता है हमें कोई चीज मूव करनी होती है हमें किसी फाइल को ओपन करना होता है तो हम उस पर डबर क्लिक करते हैं ठीक है तो वो फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है तो क्या हम उस फोल्डर पे डबल क्लिक करते हैं क्या उस फोल्डर को हम ओपन करते हैं अपने हाथ से उस फोल्डर को छूते अपने हाथ से नहीं उसको हम टच नहीं करते हैं हम सिर्फ हार्डवेयर का यूज करते हैं जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर यूज हो जाता है ठीक है तो वही कमांड वो कमांड किया होता है कैसे कमांड करता है कैसे चीज़ें यूज होती हैं वो सब चीज़ें कमांडेबल होती हैं फिर अंडरस्टैंड्स एंड एक्जीक्यूट कमांड इंटर बाई व्यूमन अगर हम कोई कमांड प्रोवाइड करते हैं लाइक हमें नोट पैड पर अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है और हम कमांड लिख रहे हैं तो वो क्या होगा उस कमांड से बिना हमारे माउस को टच किए ही वो क्या करते हैं वो सिस्टम शट डाउन हो जाएगा हम कंप्यूटर को कभी कभी वॉइस बोल के गूगल क्या करता है जब भी हमनेट ओम नेट ओपन है हमारा हम गूगल पर बोल के यानी हमारा वॉइस सर्च होता है हम कीबोर्ड का यूज़ नहीं करते हम सीधे वॉइस बटन पे क्लिक करते हैं और हम जो जो बोलते हैं वो कंप्यूटर कैच करता है और उसी के आधार पे वो हमें रिजल्ट दिखाता है तो जो भी कमांड हम देते हैं या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड देता है तो उस पर वो कमांडेबल होता है और वो कमांड के रूप में उसको यूज़ करता है ये हुआ कमांड इंटरप्रिटेशन ठीक है कुछ और भी फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के जिसको हम जानते हैं वन बाई वन कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी तो ये कंट्रोल करता है कैसे अगर कभी कभी हमारे सिस्टम में बहुत सारे फाइल्स हो गए तो हमारा कहीं ना कहीं सिस्टम की स्पीड ऑटोमेटिकली स्टोर स्टोर स्लो हो जाता है सॉरी तो वो स्लो होने का रीज़न कई सारी चीज़ें हो सकती हैं लाइक हमारे कंप्यूटर में वायरस है तो भी हमारा सिस्टम स्लो काम करता है ठीक है तो उसकी परफॉर्मेंस को जो कंट्रोल करता है मैनेज करता है वो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ रिकॉर्डिंग बिटवीन रिक्वेस्ट और सर्विस एंड यानी हमने क्लिक किया अभी किसी फोल्डर पे और वो ओपन हो रहा है कुछ सेकेंड बाद तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्स बहुत लेट से करता है तो इसकी परफॉर्मेंस को भी कौन कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है जॉब अकाउंटिंग कीपिंग ट्रैक टू टाइम ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्स यूज बाई वेरियस जॉब एंड यूजर्स यहाँ पे जॉब का मतलब काम से कौन सा काम जो कंप्यूटर करता है वन बाई वन ठीक है तो जॉब अकाउंटिंग क्या होता है कि किस टाइम पे कौन सा काम किस रिसोर्स को मिलना चाहिए ये कौन डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एरर डिटेक्टिंग एड्स जैसे हम आ, कभी कभी क्या होता है कि हम नेट ओपन करते हैं हमारा नेट कनेक्शन चला जाता है तो वो एरर कौन दिखाता है ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है या कभी सर्वर नहीं है तो वो शो करता है डायलॉग बॉक्स के रूप में तो कही कहीं ना कहीं कंप्यूटर में मैसेज आता है या उसको हम डिबक करते हैं या उसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं ताकि चीज़ों को हम यूज़ अच्छे से कर पाए अलग अलग एड्स भी आता है तो उन सब एड एड मतलब वो चीज़ सावधानी है जो प्रचार होते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कई सारे एड्स होते हैं तो उनको हम डिटेक्ट करना उनको बताना वो कौन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर ठीक है ये सॉफ्टवेयर यूजर के बीच में कोऑर्डिनेट तो करता ही करता है जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर्स असम्बलर वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं हम कोई कोड लिखें उसको कंपाइल करता है फिर उसको वन बाई वन एक्सेस करता है फिर हमें वो चीज़ यूज़ करने को मिलती है कंप्यूटर के द्वारा तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतने सारे काम करता है इसीलिए कहीं ना कहीं कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं सोल ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की आत्मा तो इसके मेन एग्जांपल क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं ठीक है कंप्यूटर में ओ में क्या क्या होता है वो कंप्यूटर के लिए भी हो सकता है यानी ओ एस जिस चीज़ में यूज़ होता है जिस डिवाइस में यूज़ होते हैं उन तो डिवाइस को हम यहाँ पे जानते हैं कंप्यूटर में यूज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन में होते हैं जो थ्री डी टेलीविज़न होते हैं उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं अलग अलग वीडियो गेम्स में भी होते हैं जो ए मशीन होता है हमारा उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो कहीं ना कहीं हर एक सिस्टम का अपना अलग क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ठीक है एडवांटेज अब कंप्यूटर का एडवांटेज क्या होता है यानी उसके लाभ होते होंगे ना कुछ न कुछ तो वो क्या क्या लाभ होते हैं वो हम जानते हैं सबसे पहले कि वो यूज़ करने में बहुत ईजी होता है ठीक है अब ईजी कैसे होता है जैसे अगर हमारे हम ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब ग्राफिक्स पे काम करता है हमें कोई चीज़ सामने दिख रही है उस पर क्लिक करना है और उसको यूज़ करना है ठीक है तो क्या करेंगे हम सामने आ, आ, आसानी से उसको यूज कर पाते हैं दूसरा ये क्या होते हैं यूज़र फ्रेंडली होते हैं यूजर फ्रेंडली क्यों होते हैं जैसे हमने आपको बताया कि जब कोई भी यूजर के लिए कोई भी चीजें आसान होती हैं तो वो क्या उसको क्या बोलते हैं यूजर फ्रेंडली होता है इंटरमीडिएट बिटवीन द ऑल हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर फॉर सिस्टम सॉरी ऑफ द सिस्टम यानी ये क्या करता है मीडिएटर होता है एक बीच में काम करने वाला जिस जिससे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर पाते हैं आसानी से और हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या है? क्या होता है नो नीड टू नो एनी टेक्निकल नॉलेज हमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने के लिए कोई भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती हम आसानी से कंप्यूटर का यूज़ कर पाते हैं इट्स द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल प्रोग्राम्स इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे सारे प्रोग्राम क्या होते हैं एक्टिव होते हैं और सारे प्रोग्राम वन बाई वन काम करते हैं अब ये प्रोग्राम क्या होते हैं प्रोग्राम कई सारे प्रोग्राम्स के मिलकर क्या बनता है सॉफ्टवेयर बनता है और कई सारे इंस्ट्रक्शन से मिलकर क्या बनता है प्रोग्राम बनता है जैसे प्रोग्राम मान लीजिए हमें फाइल को ओपन करना हुआ तो उस फाइल को ओपन करने के लिए हम निर्देश जारी करते हैं ना पहले हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे फिर क्लिक करके बाद तो उस माउस पॉइंटर को वहाँ ले जाएंगे फिर क्लिक करेंगे डबल क्लिक करेंगे यानी ये तीन स्टेप हम फॉलो करते हैं तब तो जाकर वो फोल्डर कहीं ना कहीं ओपन होता है तो उसे बोलते हैं क्या प्रोग्राम ये तो था हम का एडवांटेज अब जानते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ये जानते हैं इफ एनी प्रॉब्लम अफेक्टेड इन ओएस इफ एनी प्रॉब्लम्स अफेक्टेड इन ओएस यू मे लॉस ऑल द कंटेंट्स व्हिच हैव बीन स्टोर्ड ऑलरेडी इट मींस कि अगर आपका कंप्यूटर में ओएस करप्ट हुआ किसी भी रीजन से अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हुआ तो हमारा पूरा डाटा जो कंटेंट उसमें स्टोर है सी ड्राइव में या अपने कंप्यूटर में जो स्टोर हैं वो सब क्या होते हैं वो सब लॉस हो जाता है क्योंकि तो सारा कुछ जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब किस पे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है तो वो सारी एक्टिविटीज़ होने के बावजूद वो एक चीज़ पे डिपेंडेंट है किस पे ऑपरेटिंग सिस्टम और अगर वही फेल हो जाए तो मारा सारा डाटा क्या होगा सारा डाटा हो जाएगा यानी वो हम डाटा को लॉस कर देते हैं अनवांटेड यूजर कैन यूज योर ओन सिस्टम ठीक है अब ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम अनवांटेड यूजर कोई और यूजर भी उसको यूज कर पाएगा लाइक हैकिंग के थ्रू ठीक है तो इसीलिए हम सिक्योरिटी के अलग अलग टर्म्स का यूज करते हैं अपने सिस्टम को के पासवर्ड को बार बार चेंज करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए दुनिया में हर एक चीजें होती हैं जो कि अगर यूजफुल है तो उसके कहीं कही ना कहीं उसके एडवांटेज भी होते हैं और उसको उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं तो हमें दोनों का ध्यान में रखना होता है ठीक है अब आते हैं लास्ट में इसका कंक्लूजन जो हमने अभी तक पढ़ा हमने आज के सेशन में क्या पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है या कैसे काम करता है इसके प्रकार कितने होते हैं इसके फंक्शंस क्या आते हैं ये सब चीज़ें ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हालांकि हम जानते हैं सॉफ्टवेयर के इतने होता है तीन प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ठीक है तो जितने भी ड्राइवर होते हैं वो सब किस में आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आते हैं ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या इंटरफेस प्रोवाइड करता है इसे दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं सोल ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं और यही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कंप्यूटर में सारे रिसोर्सेस को जितने भी रिसोर्सेस हैं यूज हैं चाहे हार्ड डिस्क हो मेमोरी हो मॉनिटर हुआ या सी हुआ हर एक चीज़ को कौन मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हर एक चीज़ को कितनी आसानी से मैनेज करता है क्या करता है वो सब चीज़ें आप आपने इस चैप्टर में जाना अगर आपके पास कोई cool क्वेश्चन हो कोई cool क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और जो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में शेयर करिए और उनसे भी उनकी राय पूछिए कि वो आपके लिए कितना यूजफुल हुआ और जो भी क्वेश्चन है वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक ओके थैंक यू थैंक यू सो मच